गाइस पोकेमोन के गेम्स आखिर किसने नहीं खेले होंगे। अब तक 100 से भी ज्यादा पोकेमोन गेम्स निकल चुके हैं और गाइस पोकेमोन गेम्स खेलते खेलते कभी कभार हमें गुस्सा भी आ जाता है और हमें तब गुस्सा आता है जब हमारे पोकेमोन का अटैक मिस हो जाता है। यस गाइस जब हम बैटल करते किसी से और जब हमारे पोकेमोन का अटैक मिस हो जाता है तो सच में गाइस बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तो इसीलिए गाइस आज के वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ 10 ऐसे अटैक के बारे में जो बहुत ही ज्यादा मिस होते हैं पोकेमोन के गेम्स में। सो गाइस देखते रहिए वीडियो को पूरा एंड तक। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही पोकेमोन की अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर देना। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। नंबर 10 हाइड्रो कैनन। गाइस हाइड्रो कैनन एक वाटर टाइप का मूव है और ये मूव सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूव है। पर गाइस हाइड्रो कैनन का बेस पावर है 150 जो कि सच में बहुत ही ज्यादा है। अगर गाइस आप लोगों ने पोकेमोन गेम्स में अपने पोकेमोन को हाइड्रो कैनन अटैक सिखाया तो आप लोगों को पता होगा कि ये अटैक कितना ज्यादा मिस होता है। गाइस एनीमे में मैंने कभी भी हाइड्रो कैनन को मिस होते हुए नहीं देखा है लेकिन गेम्स में बहुत बार देखा है। नंबर 9 फायर ब्लास्ट। गाइस फायर ब्लास्ट एक फायर टाइप का मूव है और ये मूव सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूव है। गाइज ये मूव एनीमे में भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूव है और वहीं पर गेम्स में भी ये मूव काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। गाइज इस मूव का बेस पावर है 110 जो कि सच में बहुत ही ज्यादा है। और गाइज ये मूव स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ काफी मिस भी होता है पोकेमोन के गेम्स में। गाइज पोकेमोन गेम्स में मैंने बहुत बार देखा है कि फायर ब्लास्ट मिस हो जाता है। गाइज फायर ब्लास्ट हमें सिर्फ 5 ही मिलता है और 5 में से 2 या 3 बार तो ये मिस हो जाता है जो कि सच में बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। सो इसीलिए गाइज फायर ब्लास्ट इस स्टेज के अंदर अपनी जगह बनाता है। नंबर 8 हाइड्रो पंप। गाइज हाइड्रो पंप एक वाटर टाइप का मूव है और ये मूव सच में काफी स्ट्रॉन्ग है। गाइज इस मूव का बेस पावर है 110 जो कि फायर ब्लास्ट जितना ही है। और गाइज ये मूव एनीमे भी काफी स्ट्रॉन्ग है और गेम्स में भी काफी स्ट्रॉन्ग है लेकिन गाइज ये मूव बाकी मूव्स की तरह काफी ज्यादा मिस होता है गेम्स में। गाइज मैंने इसे एनीमे के अंदर तो कभी भी मिस होते हुए नहीं देखा है लेकिन गेम्स में तो बहुत बार देखा है। गाइज मुझे हाइड्रो पंप पे गुस्सा तब आता है जब ये फायर टाइप पोकेमोन के सामने मिस हो जाता है। पर गाइस फायर ब्लास्ट की तरह हाइड्रो पंप भी हमें सिर्फ 5 मिलता है और 5 में से 2 या 3 बार ये तो मिस ही हो जाता है। नंबर 7 हाइपर बीम। गाइस हाइपर बीम एक नॉर्मल टाइप का मूव है। गाइस इस मूव का नाम ही सुनकर पता चल जा रहा है कि ये मूव कितना स्ट्रॉन्ग मूव है। गाइस हाइपर बीम का बेस पावर है 150 जो कि सच में बहुत ही ज्यादा है। और गाइस हाइपर बीम स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ काफी बार मिस भी हो जाता है। गाइस एनीमे में तो हाइपर बीम कभी मिस नहीं होता लेकिन पोकेमोन के गेम्स में तो ये लगातार मिस होता है। गाइस मैक्सिमम वही मूव ज्यादा मिस होते हैं जिनका बेस पावर काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे होता है और जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं अक्सर वही मूव मिस होते हैं। और वहीं पर हाइपर बीम का बेस पावर 150 है तो ऑफ कोर्स ये मूव मिस तो होगा ही। नंबर 6 ब्लीजार्ड। गैस ब्लीजार्ड एक आइस टाइप का मूव है और ये मूव काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है। और गैस इस मूव का बेस पावर है 110 जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा है। और गैस आप सभी भी अच्छी तरह से जानते हैं कि ये मूव कितना ज़्यादा मिस होता है पोकेमोन के गेम्स में। गाइज मैं कभी भी पोकेमोन गेम्स में जल्दी किसी भी अपने पोकेमोन को ब्लीजर अटैक नहीं सिखाता हूँ क्योंकि ये अटैक ज़्यादातर मिस हो जाता है। गाइज मैं मानता हूँ कि ये अटैक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है लेकिन गाइज इसके स्ट्रॉन्ग होने का मतलब भी क्या है जब ये ज़्यादातर मिस ही होता रहेगा। सो इसीलिए गाइज मैंने इसको रखा इस लिस्ट के अंदर। नंबर 5 मेगा किक। गाइज मेगा किक एक नॉर्मल टाइप का अटैक है और ये मूव काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है क्योंकि इसका बेस पावर है 150 जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा है। गाइज मैंने अब तक जितने भी मूव्स के नाम लिए उन सभी से ज़्यादा मिस तो ये अटैक होता है। गाइज आप लोगों को यकीन नहीं होगा एक बार मैंने अपने पोकेमोन को मेगा किक अटैक सिखाया था। गाइज पोकेमोन गेम्स में हमें 5 बार मेगा किक यूज़ करने को मिलते हैं और गाइज 5 बार में से ये एक ही बार हिट हुआ अपने ओपोनेंट को बाकी के 4 बार ये मिस हो गया। अब गाइज आप लोग खुद सोचो ये अटैक कितना मिस होता है और इसी वजह से गाइज मैं कभी अपने पोकेमोन को मेगा किक नहीं सिखाता हूँ। भले ये मूव बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूव है लेकिन फिर भी मैं अपने पोकेमोन को जल्दी मेगा किक अटैक नहीं सिखाता हूँ। नंबर 4 थंडर। गाइज थंडर एक लेफ्टी टाइप का मूव है और ये मूव की बेस पावर है 110 जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा है। और गाइज ये मूव मैंने कभी भी एनिमे में मिस होते हुए नहीं देखा है लेकिन गेम्स में ये मूव बहुत ही ज़्यादा मिस होता है। गाइज थंडर एक इलेक्ट्रिक टाइप का मूव है और गाइज मेरे ख्याल से पोकेमोन गेम्स में इलेक्ट्रिक टाइप के मूव कभी मिस नहीं होते हैं। गाइज आपका तो पता नहीं लेकिन गाइज मैंने जब भी अपने पोकेमोन को इलेक्ट्रिक टाइप का अटैक सिखाया है वो कभी मिस नहीं हुआ है सिवाय इस मूव को छोड़कर। गाइज ये मूव बहुत ज़्यादा मिस होता है भले ही ये मूव इलेक्ट्रिक टाइप का मूव क्यों ना हो लेकिन फिर भी गाइज ये मूव बहुत ज़्यादा मिस होता है पोकेमोन गेम्स में। और गाइज ये मूव भी बाकी मूव्स की तरह 5 बार ही यूज़ करने को मिलता है और 5 में से 3 या 4 बार तो ये अटैक मिस हो जाता है। तो गाइस अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये अटैक कितना ज़्यादा मिस होता है। नंबर 3 लास्ट रिजॉर्ट। गाइस शायद तक आप लोग ये अटैक के बारे में नहीं जानते होंगे
क्योंकि गैस ये अटैक पोकेमॉन गेम्स में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। गैस लास्ट रिजॉर्ट नॉर्मल टाइप का मूव है और इस मूव का बेस पावर है 140 जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा है। और गैस 140 है तो ऑफकोर्स ये मूव काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो होगा ही, लेकिन गैस अगर मैं सच कहूँ तो ये अटैक आज तक अपने ओपोनेंट को हिट ही नहीं हुआ है। गैस एक बार मैंने अपने पोकेमॉन को लास्ट रिजॉर्ट अटैक सिखाया था क्योंकि इसका बेस पावर 140 था, तो मुझे लगा कि ये अटैक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक तो होगा। फिर गैस जब मैंने अपने पोकेमॉन को ये अटैक सिखा दिया और उसके बाद जब मैंने ये अटैक अपने ओपोनेंट को इस्तेमाल किया तो ये एक बार भी नहीं लगा। गैस इस अटैक का पीपीएफ मुझे याद नहीं आ रहा कितना है, शायद तक 5 ही है, लेकिन गैस जितना भी है मैंने इसे बार बार यूज़ किया और ये बार बार मिस होते गया। तो गैस अब आप लोग खुद ही सोचो कि ये अटैक कितना ज़्यादा मिस होता है, तो इसीलिए गैस इस अटैक को तो इस लिस्ट के अंदर आना ही था। नंबर 2 फ्यूचर साइट। गैस फ्यूचर साइट एक साकी टाइप का मूव है और गैस ये मूव काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है। गैस ये मूव हमने एनिमे के अंदर कई बार देखा है पोकेमॉन को यूज़ करते हुए, लेकिन गैस पोकेमॉन गेम्स में मैंने शायद ही देखा है या फिर नहीं देखा है। गैस आप लोगों ने देखा तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि गैस मैंने तो आज तक इस अटैक को देखा ही नहीं है कि आखिर पोकेमॉन गेम्स में इस अटैक को कैसे मारते हैं पोकेमॉन्स। गैस ये अटैक मिस नहीं होता, ये अटैक जल्दी लगता ही नहीं है पोकेमॉन को। गैस मैं बहुत बार फ्यूचर साइट अटैक इस्तेमाल किया हूँ लेकिन उसमें से 3 या 4 ही बार ये अटैक हिट हुआ है पोकेमॉन को। गैस ये अटैक मिस तो नहीं होता लेकिन गैस क्या पता ये अटैक कहाँ चला जाता है। गैस अगर आप लोगों ने फ्यूचर साइट अटैक इस्तेमाल किया है पोकेमॉन गेम्स में तो आप लोगों को पता होगा कि ये अटैक बहुत कम हिट होता है पोकेमॉन्स को, क्योंकि ज़्यादातर ये अटैक क्या पता कहाँ चला जाता है। तो इसीलिए गैस इस अटैक को भी इस लिस्ट के अंदर मैंने रखा है। सो गैस फाइनली बढ़ते हैं नंबर 1 पोजीशन पे। सो गैस जो अटैक नंबर 1 पे है वो है फोकस पंच। गैस फोकस पंच फाइटिंग टाइप का मूव है और इस मूव का बेस पावर है 150 जो कि बहुत ही ज़्यादा है। और गैस ये अटैक को मैं नंबर 1 पे इसलिए रखा है क्योंकि ये अटैक कभी भी पोकेमॉन्स को हिट ही नहीं हुआ है। गैस आज तक फोकस पंच कभी भी पोकेमॉन्स को हिट ही नहीं हुआ है। गैस मैंने अब तक जितने भी अटैक्स के नाम लिए हैं वो सारे अटैक्स मैं एक बार अपने पोकेमॉन को सिखा भी सकता हूँ, लेकिन ये अटैक तो मैं कभी भी नहीं सिखाऊंगा अपने पोकेमॉन को क्योंकि ये अटैक कभी भी हिट ही नहीं होता। अगर गैस आप लोग फोकस पंच अटैक इस्तेमाल कर रहे हो तो गैस नीचे लिखकर आएगा कि आपका पोकेमॉन फोकस कर रहा है फोकस पंच इस्तेमाल करने के लिए। गैस ऐसा ही कुछ लिखकर आता है और उसके बाद वो फोकस पंच कभी ज़िंदगी में लगता ही नहीं है। गैस मैं तो ये सोचता रहता था कि ये क्या ज़िंदगी भर फोकस ही करता रहेगा कि कभी मारेगा भी, इसीलिए गैस ये अटैक मैं कभी भी नहीं सिखाता अपने पोकेमॉन्स को क्योंकि ये अटैक मिस तो नहीं होता लेकिन कभी लगता भी नहीं है। सो इसीलिए गैस इस अटैक को तो नंबर 1 पे आना ही था। तो चलिए गैस आज के लिए सिर्फ इतना ही। गैस वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही पोकेमॉन्स की अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर देना। तो चलिए मिलता हूँ आप सबसे अगली वीडियो में।